हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे क्लास में। मैं पिनाश कुमार लेकर आया हूँ मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको मैकेनिक्स बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, यह कोर्स आपके डिप्लोमा के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अन्य कंपटीशन के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यह इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। तो दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का यह चौथा लेक्चर है और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था, जैसे कि व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज डेराइव्ड यूनिट, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जैसे अन्य टॉपिक को भी बहुत तो ही अच्छे से कवर कर चुका था। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग यह सीखेंगे कि फॉर्मूला मैकेनिक्स में कितने होते हैं और उन फॉर्मूलों का क्या यूज है, उनके यूनिट्स क्या है। तो यह टॉपिक दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके डिप्लोमा के एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरू करते हैं क्लास। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर दोस्तों क्या होता है? तो वॉल्यूम बराबर आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, लंबाई गुने ऊंचाई गुने मोटाई। कहने का मतलब ये दोस्तों, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दोस्तों, और इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की ओर आते हैं, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का दोस्तों होता है मीटर और टाइम का होता है दोस्तों सेकंड। तो इसका यूनिट हो गया मीटर प्रति सेकंड। किसका? तो स्पीड का। नेक्स्ट की ओर आते हैं, फोर्स। फोर्स बराबर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है मास गुने एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया दोस्तों केजी और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी गुने मीटर, और इसके भागा में दे देंगे सेकंड स्क्वायर को। यहाँ से आपको दोस्तों केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर लिए, तो ये हो गया दोस्तों इसका यूनिट। अगर आप केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलिए, नहीं तो फिर आप अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन भी बोलते हैं तो यह गलती नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है दोस्तों केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है और साथ में इसका न्यूटन भी होता है दोस्तों। तो यह ध्यान रखेंगे आप। तो दोस्तों नेक्स्ट है वेट। वेट बराबर दोस्तों होता है मास गुने एक्सेलरेशन। लेकिन दोस्तों इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी के कारण ए वाला कन्वर्ट हो जाता है जी में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका सेम फॉर्मूला होता है फोर्स की तरह। तो इसका भी हम लोग न्यूटन बोल सकते हैं, नहीं तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर फोर्स वाला सेम टू सेम इसका भी होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम का दोस्तों फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी। मास का दोस्तों हम लोग जानते हैं केजी होता है और वेलोसिटी का दोस्तों जानते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों केजी गुने मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो यहाँ से दोस्तों केजी मीटर प्रति सेकंड हो गया और इसको हम दोस्तों न्यूटन पर सेकंड भी कह सकते हैं दोस्तों। इसका भी मोमेंटम का भी दोस्तों दो यूनिट होता है, एक हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड और हो गया न्यूटन सेकंड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हो गया इम्पल्स। तो इम्पल्स का दोस्तों फॉर्मूला होता है फोर्स गुने टाइम। तो दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला हम लोग तुरंत पढ़े हैं दोस्तों, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टाइम का दोस्तों तो सब कोई जानता है सेकंड होता है। तो केजी मीटर और यहाँ पर हम भाग दे देंगे सेकंड स्क्वायर से, ये वाला सेकंड स्क्वायर से और ये वाला सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड बच गया तो यह सेकंड से यह सेकंड स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से बच गया दोस्तों एक सेकंड, और तो यहीं पे हो गया दोस्तों केजी मीटर प्रति सेकंड। ये वाला जो सेकंड है दोस्तों ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या बनेगा दोस्तों? केजी मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए दोस्तों ये क्लियर हो गया, ये दोस्तों आपका यूनिट हो गया किसका? इम्पल्स का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रेशर। प्रेशर का दोस्तों फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का दोस्तों अभी तुरंत ही हम लोग पढ़े हैं कि इसका यूनिट होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एरिया का दोस्तों तो सबको जानता है मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर काटे हैं, जैसे देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मीटर है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो एक मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचेगा एक मीटर। तो यहाँ पर भी हम कुछ फॉर्मूला को यहाँ पर डेराइव किए, तो यहाँ पर ऐसे आ गया, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये दोस्तों हो गया आपका किसका यूनिट? ये हो गया आपका दोस्तों प्रेशर का यूनिट। और प्रेशर का यूनिट दोस्तों या तो हम केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे, नहीं तो फिर दोस्तों हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यह गलत भी नहीं है। दोनों का दोनों आपका प्रेशर का यूनिट सही है, ये दोनों सही है आपको दोस्तों।
फिर है दोस्तों नेक्स्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेस बराबर होता है रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका दोस्तों होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एरिया का दोस्तों सबको जानता है मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर के नीचे हम लोग जानते हैं दोस्तों एक रहता है, तो इसको फिर हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो केजी अपॉन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। नहीं तो फिर इसको हम और भी बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसका भी दोनों स्क्वायर के नीचे हम लोग जानते हैं दोस्तों एक रहता है, तो इसको फिर हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो केजी अपॉन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। नहीं तो फिर इसको हम और भी बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसका भी दोस्तों दोनों का दोनों सेम होता है यूनिट। मैंने कहने का मतलब ये दोस्तों कि स्ट्रेस का भी जो यूनिट होता है ना दोस्तों, वो केजी प्रति सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, नहीं तो फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। दोस्तों दोनों का दोनों सही है। अब बात आता है दोस्तों वर्क। तो वर्क बराबर होता है दोस्तों फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का दोस्तों पढ़ी है दोस्तों हम लोग क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का दोस्तों होता है मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर। आप केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बोलिए, नहीं तो आप न्यूटन मीटर बोलिए, दोनों को दोनों सही है। किसके लिए? तो वर्क के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये हो गया दोस्तों आपका किसका फॉर्मूला? तो स्ट्रेन का। स्ट्रेन का दोस्तों याद रखिएगा कोई यूनिट नहीं होता है, समझ में आएगा दोस्तों, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। इसका फॉर्मूला आप खाली याद रखिएगा, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। अब आ गया पावर। तो पावर का दोस्तों हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही देखे, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, और टाइम का टाइम रह गया। तो यहाँ से देखिए दोस्तों फोर्स का तो फोर्स रह गया, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है दोस्तों? तो वेलोसिटी होता है। तो यह आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। तो मीटर प्रति मीटर मीटर होता है और सेकंड होता है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब आ जाएगा, तो जिसको कि हम ऐसे बोल सकते हैं न्यूटन गुने मीटर प्रति सेकंड। तो जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये हो गया, निकल आया किसका यूनिट दोस्तों? तो आपका पावर का यूनिट। आप न्यूटन मीटर प्रति सेकंड बोलिए, या तो फिर आप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब बोलिए, दोनों का दोनों यूनिट आपके लिए दोस्तों पावर के लिए सही है। मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो गया दोस्तों आपका नेक्स्ट वाला। तो मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो स्ट्रेस बाई में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाई में स्ट्रेन होता है दोस्तों। हम लोग स्ट्रेन का क्या पढ़े थे? तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेस का तो होता है। तो स्ट्रेस तो देखते हैं, तो स्ट्रेस का होता है आपका केजी प्रति मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेन का होता है यूनिटलेस। तो आपका सेम टू सेम मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी का क्या निकल गया? केजी प्रति मीटर स्क्वायर। आप ये बोलिए, नहीं तो फिर आप ये बोलिए न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं पास्कल, जिसको सूचित किया जाता है पीए से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है फोर्स गुने डिस्टेंस स्क्वायर, और बाई इसका जो नीचे वाला में होता है मास गुने मास होता है दोस्तों। तो फोर्स का हो गया दोस्तों न्यूटन, डिस्टेंस का हो गया मीटर स्क्वायर, नहीं दोस्तों डिस्टेंस का हो गया मीटर, और इसका स्क्वायर है तो दोस्तों डिस्टेंस मीटर स्क्वायर हो गया, मास का केजी, इसका केजी, तो इसका यूनिट आ गया दोस्तों क्या? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का सूचित किसे किया जाता है दोस्तों? तो कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों? तो 6.7 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉर्क। टॉर्क क्या होता है दोस्तों? तो टॉर्क अगला आगे वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे, और इस सब के बारे में भी बहुत सारे जो भी प्रीवियस जो भी इससे पहले हम पढ़ाए वो सारे के बारे में आगे वाले लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ फॉर्मूला और यूनिट समझते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो फोर्स गुने डिस्टेंस होता है दोस्तों। दोस्तों सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का क्या होता है दोस्तों? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का क्या होता है दोस्तों? न्यूटन, और लेंथ का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन बाय मीटर होगा दोस्तों। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है दोस्तों? तो फोर्स गुने डिस्टेंस, और
इसका हो गया एरिया, इस यहाँ पर हो गया वेलोसिटी, तो इसका हो गया है न्यूटन मीटर बाई मीटर स्क्वायर गुने मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम सॉल्व करके ऐसे बोल सकते हैं, न्यूटन सेकंड बाई मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया किसका दोस्तों यूनिट, ये हो गया आपको कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं 17 की ओर, ये हो गया आपका एंगल। एंगल बराबर होता है दोस्तों लेंथ ऑफ रेडियस, सॉरी दोस्तों लेंथ ऑफ एरिया होता है और बाई में इसका रेडियस होता है, तो इसको हम लोग सीधे बोलते हैं रेडियन, इसको कहते हैं दोस्तों। एंगल का यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो रेडियन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है दोस्तों, तो रेडियन। और सीजीएस यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है दोस्तों, तो डिग्री होता है। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, और रेडियन को सूचित किया जाता है RAD से, ये भी दोस्तों याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 18, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, जिसको हम लोग रेडियन पर 30 सेकेंड से नाम से जाना जाता है। ये हो गया दोस्तों आपको यूनिट किसका, तो एंगुलर वेलोसिटी का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हो गया दोस्तों एंगुलर एसेलरेशन। एंगुलर एसेलरेशन का क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर टाइम को यहाँ पर हम दोस्तों लिख चुके हैं इसका यूनिट, और इसका यूनिट को हम सॉल्व करेंगे तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ये किसका आपको दोस्तों यूनिट आ गया, तो ये यूनिट आ गया दोस्तों आपको एंगुलर एसेलरेशन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मोमेंट ऑफ एरिया। मोमेंट ऑफ एरिया का क्या होता है दोस्तों, तो एरिया गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका हो गया एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस का हो गया आपका एम मतलब मीटर, तो इसका हो गया आपको मीटर क्यूब। यह हो गया आपको यूनिट किसका दोस्तों, तो मोमेंट ऑफ एरिया का। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं मोमेंट ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ मास का होता है दोस्तों मास बाई बाई नहीं दोस्तों मास गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो मास गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोस्तों, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं केजी मीटर। तो ये आपको दोस्तों यूनिट आ गया किसका, तो मोमेंट ऑफ मास का। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का दोस्तों फॉर्मूला होता है मास गुने डिस्टेंस स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों मास का केजी होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सा है दोस्तों ये दम निकाल आया इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का दोस्तों फॉर्मूला होता है करंट गुने टाइम। तो लेक्चर में बताए थे करंट का होता है एम्पियर और टाइम का हो गया सेकंड, तो ये हो गया आपका एम्पियर सेकंड। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल का होता है दोस्तों फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज। वर्क को हम लोग बोलते हैं जूल और चार्ज को बोलते हैं कूलम्ब, तो जिसको जे से सूचित किया जाता है और इसको कूलम्ब को सी से सूचित किया जाता है। ये हो गया आपका यूनिट इसका दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है दोस्तों प्रतिरोधकता, ऐसा कुछ होता है दोस्तों। तो इसका होता है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस का होता है दोस्तों वोल्ट, और इसका हो गया दोस्तों एम्पियर। तो ये हो गया आपका यूनिट निकल आया किसका दोस्तों, तो आपको रेजिस्टेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो दोस्तों करंट का हम लोग बताए थे एम्पियर होता है, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो ये हो गया आपको, इन दोनों को हम वोल्ट भी कह सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का दोस्तों हम वोल्ट भी यूनिट बोलते हैं, नहीं तो फिर आप एम्पियर और ओम भी बोल सकते हैं। कैपेसिटेंस का होता है दोस्तों चार्ज गुने नहीं दोस्तों चार्ज बाई पोटेंशियल। तो इसको हम लोग यूनिट इसका बोलते हैं फराडे। फराडे किसका यूनिट है दोस्तों, तो कैपेसिटेंस का इसका यूनिट है दोस्तों। फिर है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का क्या होता है दोस्तों, वन बाई रेजिस्टेंस, जिसको वन बाई हम ओम बोलते हैं। ये निकाल आया दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से इसका। फिर होता है दोस्तों 29 नंबर, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दोस्तों क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस गुने एरिया और बटे में दोस्तों लेंथ। तो इसका रेजिस्टेंस का हो गया दोस्तों ओम, एरिया का होता है दोस्तों मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है दोस्तों मीटर, ओम मीटर आ जाएगा दोस्तों। तो ये यूनिट हो गया आपको किसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आज का यह लास्ट फॉर्मूला है दोस्तों कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब होता है दोस्तों चालकता। चालकता इसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों वन बाय रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी दोस्तों हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे कि ओम और मीटर होता है दोस्तों, लेकिन यह वन बाय ओम और मीटर हो गया, तो इसको हम इन्वर्स कर देंगे तो ओम इन्वर्स बाय मीटर इन्वर्स हो गया। तो दोस्तों यह यूनिट निकाला है किसको, तो यह यूनिट निकाला है कंडक्टिविटी को।
ऐसे ही दोस्तों प्लैंक कॉन्स्टेंस का वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻¹⁴ जूल पर सेकेंड होता है दोस्तों। यह फॉर्मूला भी आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छा से। वैसे ही एक और फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल जी का वैल्यू जो हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं 6.67 × 10⁻¹⁰ मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सॉरी दोस्तों शायद हम पीछे 6.7 बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर होता है 6.67 होता है दोस्तों × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सारे जो फॉर्मूला दोस्तों हम बताया है वो आप बहुत ही VVI इसको कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है आपके एग्जाम के लिए। और आप ये सारे फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे किसी भी न्यूमेरिकल को आपके बनाते समय किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर में पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहे इस वीडियो सीरीज को। धन्यवाद।